नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ब्लू बैंगर्स यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं मिशंस ना करते हुए आपको सेटिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले के मिशंस आसान थे लेकिन इसके बाद के मिशंस थोड़े टफ होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस गेम की सेटिंग सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं यहाँ पॉज मेन्यू में आ चुका हूँ। इसमें आपको ऑप्शंस में जाना है, इसमें कंट्रोलर सेटअप में जाना है, इसमें रिडिफाइन कंट्रोल्स में जाना है। इसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिख जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये फायर का है, यानी गन से फायर करने का या अटैक करने के लिए। मैंने यहाँ पर लेफ्ट कंट्रोल रखा है ऑन फुट, और इनकार दोनों में। ऑन फुट मतलब चलते समय, इनकार मतलब किसी व्हीकल में जब हम बैठते हैं तब। नेक्स्ट वेपन और प्रीवियस वेपन, अगर आपको अपना वेपन आगे पीछे करना हो, आपके पास 5-6 वेपन हो, तो उसमें ये कीज आपके काम आएगी। मैं जैसे कि मैंने जेड और एक्स रखा है यहाँ पर, अगर आपको इन कीज़ को बदलना हो तो आप बदल सकते हो। बदलने के लिए सिर्फ आपको सिंपली इस पर प्रेस करना होगा। आपको जो की चाहिए आप रख सकते हो, जैसे मैंने अभी के रख दी। तो जेड और के, ये दोनों कीज दबाने से नेक्स्ट वेपन आ जाएगा मेरा। और अगर आपको कोई एक ही की रखनी है तो आपको बैक स्पेस दबाना होगा। ये देखिए, मैं इस पे जेड रख रहा हूँ क्योंकि जेड मुझे अच्छा लगता है। जेड और एक्स पास पास में है, और हम कार के अंदर वेपन्स बदल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर नॉट यूज लिखा है। इसके सामने फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी आगे पीछे जाने के लिए अप डाउन एरो कीज और डब्ल्यू और एस का ये होता है, सेम कार में भी है। लेफ्ट राइट यानी आजू बाजू जाने के लिए लेफ्ट राइट एरो कीज और ए और डी का इस्तेमाल होता है, जो कार में भी है। अगर आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो, आपको जो कीज रखनी है यहाँ पर रख सकते हो। इसके नीचे है जूम इन जूम आउट, यानी जब आप कोई स्नाइपर लेते हो तब आप स्कोप से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। मैंने इसके लिए प्लस और माइनस का ऑप्शन रखा है। आप जब आप कार में बैठते हो तब आप स्नाइपर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर नॉट यूज़ लिखा है। अगर आपको कोई और ऑप्शन रखना है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो। एंटर और एग्जिट, यानी अब जब आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में बैठने के लिए आप को जो की दबानी पड़ती है, ये वो कीज़ है। मैंने एफ और एंटर रखा है। रेडियो, यहाँ की गाड़ियों गाड़ियों में रेडियो होता है। आपको चैनल चेंज करने के लिए आर दबाना होगा या व्हील अप करना होगा। वैसा ही हॉर्न के बारे में भी है, शिफ्ट दबाने से हॉर्न बजता है। सबमिशंस यानी कि टैक्सी और एम्बुलेंस के सबमिशंस, यानी कि अगर आप टैक्सी या एम्बुलेंस पे बैठे और कैप्स लॉक दबाए तो उसके सबमिशंस चालू हो जाते हैं। टैक्सी के सबमिशंस मतलब टैक्सी ड्राइवर बन के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और एम्बुलेंस के सबमिशंस मतलब एम्बुलेंस में बैठ के पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाना। ऐसे चेंज कैमरा, इसे कैमरा का व्यू चेंज होता है। मैंने उसके लिए वी रखा है। जंप यानी कूदना, इसके लिए मैंने स्पेस बार रखा है। स्प्रिंट यानी तेजी से दौड़ना। हैंड ब्रेक, ये गाड़ियों में यूज होता है। टारगेट यानी स्नाइपर, अगर आपके पास हो तो स्नाइपर से स्कोप यूज करने के लिए डिलीट का इस्तेमाल होता है, जिससे कि आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। क्राउच, क्राउच यानी नीचे बैठना, इसके लिए मैंने सी का ऑप्शन रखा है। एक्शन यानी कोई भी एक्शन लेना, जैसे अगर आपको फोन होना या तो फोन उठाना, आपको घर खरीदना हो तो उस आइकॉन पे जाके टैब दबाना ताकि आप घर खरीद सकते हो। ऐसे एक्शंस। लुक लेफ्ट टरेट एल और लुक राइट टरेट आर, ये ऑप्शंस हेलीकॉप्टर में यूज होते हैं, यानी आप अगर आपको आजू बाजू का व्यू देखना हो तो तब आप इसे यूज कर सकते हो। और ये जो नीचे है, टरेट प्लस लीन अप, टरेट प्लस लीन डाउन,
ये बाइक में यूज़ होते हैं स्टंट्स के लिए। लीन अप यानी ये बाइक को ऊपर उठाता है, और लीन डाउन यानी बाइक को नीचे ढकेलता है और खुद ऊपर उठता है। इसके नीचे लुक बिहाइंड यानी पीछे देखने के लिए कैप्स लॉक मैंने रखा है, मैं ज़्यादातर कैप्स लॉक का यूज़ करता हूँ। लुक लेफ्ट और लुक राइट ये ऑन फुट वे पॉसिबल नहीं है, ये कार में पॉसिबल है जो मैंने क्यू और ई से रखा है। तो ये थे सारे कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, आगे आपको इसका बहुत काम आएगा। तो बस यही कंट्रोल्स आपको बताने थे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू का बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।